नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से सुन लें। जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है और आप देख भी रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री चल रहा, तो हम पीछे इससे एक शासक पढ़ के आए हैं, जैसा कि हम पढ़े भी हैं, जिनका नाम है बलबन, जो कि गुलाम वंश के सबसे ताकतवर शासक है। और एक आपके सामने लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के सबसे ताकतवर शासक हैं। दोनों की पॉलिसी में क्या अंतर है, दोनों की शासन व्यवस्था में क्या अंतर है मंगोलों के विरुद्ध, थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर एक सही कॉन्सेप्ट में आप इसको सुन भी गए। मैं केवल मंगोलों के सिस्टम को लेकर इसमें बात करूँगा। तो देखिए, बलबन ने क्या किया मंगोलों के विरुद्ध, बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध रक्षात्मक नीति अपनाई थी। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध जो नीति थी बलबन की, तो बलबन की नीति क्या थी कि बलबन क्या चाह रहे थे कि बस कैसे भी करके मंगोलों के आक्रमण को रोका जाए, रक्षात्मक नीति। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले शासक भी हैं जिन्होंने मंगोलों के, दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक भी हैं जिन्होंने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण से रक्षा के लिए दुर्ग बनवाए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर आक्रमक नहीं थे, किसके विरुद्ध, मंगोलों के विरुद्ध। जबकि हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ के अभी निपटे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या टेंडेंसी थी मंगोलों के विरुद्ध, ध्यान से सुनना एक बार। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमकता की नीति अपनाई, ना कि रक्षात्मक बलबन की तरह। ध्यान से सुनिए, दोनों ताकतवर शासक हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के विपरीत आक्रमक नीति अपनाई, किसके विरुद्ध, मंगोलों के विरुद्ध। जैसे कि रक्त तथा तलवार की नीति, देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे रक्त एवं लोह की नीति किसने चलाई, बलबन, और रक्त एवं तलवार की नीति किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी। किस अंतर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की जो रक्त और तलवार की नीति है, समझ रहे हैं, वो एक आक्रमक नीति थी और उन्होंने प्रॉपर ये नीति किसके लिए चलाई थी, मंगोलों के विरुद्ध। आपसे सीधा एग्जाम में कॉन्सेप्ट बनेगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस शासक के द्वारा रक्त और तलवार की नीति चलाई गई, अलाउद्दीन खिलजी, किसके विरुद्ध चलाई गई, अलाउद्दीन मंगोलों के विरुद्ध, ठीक है। और साथ के साथ चूँकि हम मंगोलों की बात कर रहे हैं, तो ये दो तीन स्टेप आप अच्छी तरीके से क्लियर रखिए। मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में हुए, ये कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसे कॉमन दिमाग में बैठाओ। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुए, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहला मंगोल आक्रमण 1241 बहराम शाह के समय में। सबसे पहली बार मंगोल भारत में कब देखे गए, 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो बलबन की और अलाउद्दीन खिलजी की जो बेसिक अंतर एक निकल के सामने आया, वो ये आया, बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध रक्षात्मक नीति अपनाई, बचाव के लिए दुर्ग स्थापित किए, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को मजबूत करके अपनी मंगोलों के विरुद्ध आक्रमक नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति अपनाई। इसी कारण, एक ये भी कारण है कि इसीलिए मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय में हुए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली जो आपके पास वीडियो है वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।